नमस्कार शब्द साचे के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं हेडलाइन से केंद्र सरकार ने पूर्व ट्रेनी आई अफसर पूजा खेड़कर को सेवा मुक्त कर दिया कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को रिलीज से पहले करने होंगे दस बदलाव भोपाल रेल मंडल के स्टेशनों से गुजरने वाली अंठावन ट्रेनों को किया गया निरस्त ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर और भ्रष्टाचार मामले के विरोध में टी सांसद ने दिया इस्तीफा एमपी में कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को सरकार कराएगी विजिट एमपी में पुलिस अधिकारी और जवानों के बच्चों को शिक्षा के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को ब्रह्म रत्न सम्मान से किया गया सम्मानित रीवा में नवनिर्मित फ्लाईओवर का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया लोकार्पण रीवा में तीन सैकड़ा आवारा मवेशियों को लेकर किसान पहुंचे गौशाला सतना रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में न बुलाने पर महापौर नाराज अब खबरें जानते हैं विस्तार से केंद्र सरकार ने पूर्व ट्रेनी आई एस अफसर पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया बता दें कि पूजा 2023 बैच की ट्रेनी आई एस थी वो जून 2024 से ट्रेनिंग कर रही थी उन पर आरोप है कि उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में खुद से जुड़ी गलत जानकारी दी थी यूपीएससी ने अपनी जांच में पूजा को दोषी पाया था पूजा की की उम्र माता पिता की गलत जानकारी पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप था सिलेक्शन रद्द होने के बाद पूजा का पद छीन लिया गया उन पर भविष्य में यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देने पर रोक लग गई है हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म एमरजेंसी को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दे दिया है इस फिल्म के कई सीन पर आपत्ति जताई गई है जिसकी वजह से अब ये फिल्म कई कट और बदलावों के बाद कुछ ही हफ्तों में रिलीज की जाएगी इस फिल्म से तीन सीन डिलीट करने के निर्देश दिए हैं साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले इसमें दस बदलाव करने होंगे बता दें कि फिल्म को लेकर सिख संगठनों ने आपत्ति जताई थी जिसके कारण सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट रोक दिया था जिसके चलते फिल्म अपने तय समय पर रिलीज नहीं हो पाई भोपाल रेल मंडल के कई स्टेशनों से गुजरने वाली अंठावन ट्रेनों को सितंबर और अक्टूबर में निरस्त किया गया है १८ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं जबकि दो ट्रेनें आंशिक निरस्त हुई हैं। दरअसल उत्तर रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे और झांसी मंडल में रेलवे के मेंटेनेंस कार्य हो रहे हैं जिसके चलते भोपाल रेल मंडल के मुख्य स्टेशनों से सफर करने वाले लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जहां एक तरफ यात्री निरस्त ट्रेनों के चलते अपनी यात्रा कैंसिल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शॉर्ट टर्मिनेटेड और रूट परिवर्तन के कारण भी कई रेप मर्डर और भ्रष्टाचार मामले के विरोध में टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने राजनीति से भी संन्यास ले लिया जवाहर सरकार ने रविवार 8 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर सरकार की कार्यशैली पर निराशा जताई मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी खर्च पर खजुराहो सांची चंदेरी राजवाड़ा इंदौर के साथ राज्य और जिला स्तरीय संग्रहालयों की विजिट कराई जाएगी उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए जन भागीदारी मत से राशि खर्चा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं साथ ही कॉलेज विश्वविद्यालयों के वार्षिक कैलेंडर में शामिल करने के लिए उन स्थलों की सूची भी भेजी है जहाँ उन्हें विजिट कराया जा सकता है मध्य प्रदेश के एक लाख से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों के बच्चों के लिए अच्छी खबर सामने आई है डीएसपी से लेकर आरक्षक तक उनके बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी इस आशय का आदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दिया है जारी आदेश के तहत ग्रेजुएशन करने पर चालीस हजार की सहायता मिलेगी इसी तरह एमबीबीएस में 80 फीसदी प्रतिशत से अधिक अंक लाने वालों को भी राशि मिलेगी फीस की जगह आर्थिक सहायता देने के लिए पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है पुलिस वेलफेयर और अकाउंट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार ने प्रस्ताव तैयार किया जल्द ही आर्थिक सहायता के प्रस्ताव को पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना रिव्यू करेंगे रीवा में लगातार डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं श्वान के काटने पर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या पर अगर नजर डाली जाए तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं जिसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन भी इलाकों में इस तरह के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं वहां आवारा कुत्तों की नसबंदी कराई जाए रीवा में रविवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को विन्द क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए ब्रह्म रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया पा आप कामदेव के भक्त हैं आपने युवा में गौर संरक्षण का अद्भुत प्रयास किया है एक बड़ा ही सुंदर सा प्रतीक चिन्ह ब्रह्म सत्य के द्वारा माननीय को दिया जाएगा एक बार जोरदार तालियां बजाइए स्वागत कीजिए सभी अग्रजों की तरफ से माननीय को दिया जा रहा है यह सम्मान कामदेव के साथ में सुंदर सा विश्व हिंदू परिषद द्वारा रीवा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम प्रबुद्ध जन का एक संवाद आयोजित किया गया जिसमें अखंड भारत एक विमर्श विषय पर गौरवपूर्ण सनातन यात्रा के संबंध में ऐतिहासिक घटनाओं तथा पूर्वजों द्वारा इस संबंध में किए गए बलिदानों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय मंत्री विहिप अम्बरीश जी ने उद्बोधन दिया कार्यक्रम की अध्यक्षता सेना निवृत्त जिला सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने की रीवा शहर के सुभाष तिराह में नव निर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण रविवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण द्वारा इस फ्लाईओवर का निर्माण 29 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से कराया गया है इस फ्लाईओवर से सिरमौर चौराहा पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा सिरमौर तथा यूनिवर्सिटी पोदाबाग की ओर जाने वाली व्यक्ति सिरमौर चौराहे में प्रवेश किए बिना सीधे अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे सुभाष तिरा फ्लाईओवर के रूप में रीवा को विकास की एक और सौगात मिली है आयोजन में सांसद जनार्दन मिश्र देवतला विधायक गिरीश गौतम सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल विधायक सिद्धार्थ तिवारी अध्यक्ष जिला पंचायत नीता कोल अध्यक्ष नगर निगम वेंकटेश पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आदेश था कि पंद्रह दिन के अंदर सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को गौशाला पहुंचाया जाए या फिर सड़कों के किनारे बाड़ा बनाकर रखा जाए और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी प्रशासनिक अमला लापरवाह बना हुआ है रविवार को करीब तीन सैकड़ा आवारा मवेशियों को एकत्र कर सिमरिया क्षेत्र के किसान गौशाला लेकर जा रहे थे बड़ी मुश्किल से इन मवेशियों को लेकर किसान पुरवा पहुंचे लेकिन जब वहां जानवरों को गौशाला के अंदर लेने की बात आई तो पी के कर्मचारियों के नाम से मवेशियों को गौशाला के अंदर लिया गया इस तरह से बिना सड़कों उतरे श्रेय लिया जा रहा है वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन के अंदर उन्हें आवारा मवेशियों से छुटकारा नहीं दिलाया जाता तो वो इन मवेशियों को लेकर कलेक्ट्रेट में छोड़ देंगे हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर सौ साल से भी अधिक समय से स्थापित सतना रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर सर्व सुविधा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाए जाने का कार्य शुरू हो गया है सांसद सिंह ने बहत्तर करोड़ की लागत से होने वाले इस कार्य को गुरुवार को भूमि पूजन किया इस अवसर पर विधायक सतना सिद्धार्थ कुशवाहा जिला पंचायत अध्यक्ष राम खेलावन कोल एडीआरएम आनंद कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे लेकिन इस आयोजन को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है दरअसल महापौर योगेश ताम्रकार को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था इस बात पर वो नाराज हैं। उनका कहना है कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है आमंत्रण कार्ड में नाम छापना चाहिए था और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहिए था पहली बात तो प्रोटोकॉल का जहाँ तक विषय है नगर के प्रथम नागरिक होने के नाते जो प्रोटोकॉल है उसमें निमंत्रण आना चाहिए और जो रेलवे ने नहीं दिया ये रेलवे के अधिकारियों की बहुत बड़ी भूल है इसकी कम्प्लेन मैं दिल्ली स्तर तक करने वाला हूँ क्योंकि ये विषय किसी व्यक्ति का नहीं है उस पद की गरिमा का है जिस पद के लिए जनता ने चुना है जहाँ तक सवाल भूमि पूजन का है मेरी जानकारी में लगभग छः महीने पहले यह कार्यक्रम का एक भूमि पूजन हो चुका है दोबारा करने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आया कार्यक्रम का क्योंकि जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था छः महीने पहले उसमें मैं उपस्थित था मंच में और हमारे राष्ट्रीय रेल मंत्री उस समय के अश्विनी वैष्णव जी उन्होंने दिल्ली से वर्चुअली उसका उद्घाटन किया था उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख भी किया था इसका मतलब मैं बिना कारण बिना बुलाए तो नहीं गया था प्रोटोकॉल में आता होगा तब रेलवे ने ही बुलाया तो मुझे लगता है सोची समझी चाल है जिसके कारण से इस बार ऐसा नहीं किया गया गलती किसकी है मैं इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं पता लगा रहा हूँ ये विषय कहाँ से किसके दिमाग की उपज है और अगर रेलवे के किसी अधिकारी ने ऐसा अपमान किया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए मैं ऐसा प्रयास करूंगा अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ जिसमे राजनीतिक दृष्टि से नाम कटा है रेलवे की भूल है अगर राजनीतिक दृष्टि से कटा है तो इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए सिंगरौली जिले में 108 एंबुलेंस के चालक और स्टाफ ने गर्भवती महिला को अस्पताल छोड़ने के एवज में पैसों की मांग की इस बात आरोप परिजनों और चालक के बीच विवाद हुआ इसके बाद चालक गर्भवती महिला को बीच सड़क पर ही छोड़कर चला गया इसका वीडियो रविवार को सामने आया बताया गया है कि सरई थाना क्षेत्र के पोखरी टोला से ब्रजेश कुमार यादव अपनी पत्नी को प्रसव कराने के लिए सरई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर गए थे जहां डॉक्टर सुषमा साहू ने प्रसूता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला मुख्यालय बैढन स्थित ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया था ब्रजेश अपनी पत्नी को लेकर 108 एंबुलेंस से ट्रामा सेंटर के लिए रवाना हुआ लेकिन बीच रास्ते में 108 एंबुलेंस के चालक ने उससे एक हजार रुपए की मांग की ब्रजेश ने चालक को चार सौ रुपए चालक एक हजार रुपए पर अड़ा रहा बात करें मौसम की तो तेलंगाना में भारी बारिश के चलते उनतीस जिलों में बाढ़ के हालात हैं इकतीस अगस्त से हो रही बारिश के कारण अब तक उनतीस लोगों की मौत हो चुकी है वहीं राज्य में बाढ़ के कारण 5,438 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है वहीं राजस्थान में इस मानसून सीजन में 1 जून से 7 सितंबर तक कुल 626.7 मिलीमीटर mm बरसात हुई जो सामान्य बारिश से संतावन फीसदी ज्यादा है शनिवार को हुई तेज बारिश के कारण अजमेर और जयपुर के कई सड़कों पर पानी भर गया वहीं मध्य प्रदेश में मॉनसून ट्रफ और लो प्रेशर एरिया की वजह से एक बार फिर पूरा मध्य प्रदेश भीगेगा मौसम विभाग ने शिवपुरी श्योपुर समेत सात जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, है। उज्जैन जबलपुर जिलों में भी देखने को मिलेगा ऐसे में बारिश का कोटा भी फुल हो जाएगा प्रदेश में अब तक औसत छत्तीस दशमलव एक इंच बारिश हो चुकी है यह सीजन की संतानवे प्रतिशत है अब तक भोपाल ग्वालियर समेत 28 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी गिर चुका है जबकि रीवा में सबसे कम बारिश ही हुई है इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ जुड़े रहिए शब्द साची से धन्यवाद